ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि नेट लॉस दे रखा है और 75,000, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट और कमीशन और सैलरी दे रखा है, बट किसी के आगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब देयर इज एन प्रॉफिट, देयर इज एन प्रॉफिट। तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, तो इसलिए इसको नहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिर्फ 75,000 लॉस को बांटना है। किसको बांटना है? वाई एम एंड वी। ठीक है, रेशियो क्या है? 2:2:1, 2:2:1 है रेशियो। तो 75,000 इंटू 2/5, 75,000 इंटू 2/5 एंड 75,000 इंटू 1/5, इसको मिलेगा 30,000, इधर भी 30,000 और इधर 15,000 का इसको लॉस हो गया, टोटल आ गया बाहर 75,000। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 3, एज सिंपल। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 हमारा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं इसमें क्या है, कोई नई चीज़ है क्या? इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रहा है कि अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर इन द फर्म, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, देयर कैपिटल 50,000 एंड 30,000 है। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम है, बाबू को एनुअल सैलरी देनी है, एनुअल है इसमें, इंटू 12 मत कर देना, 2,500 है। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 5,000। अच्छा, ये मैनेजर, लेकिन अब मैनेजर का मेंशन नहीं है कौन है, तो मैनेजर एक नॉर्मल इंप्लॉई मानता हूँ मैं। ठीक है, तो मैनेजर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी, तो इसको हमको नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो हम यहाँ एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। अमिताभ हैज़ टू बी गिवन ए लोन ऑन 1 अप्रैल 2019, उसने लोन दिया था 5,000 का। ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। ओके, विदाउट एग्रीमेंट। अच्छा, अब लोन उसने एग्रीमेंट के साथ दिया है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, अगर लोन दिया है तो मिनिमम अपने को 6% इंटरेस्ट उसको देना है। अगर मेंशन होता कि एग्रीमेंट होता 10% इंटरेस्ट का जो भी, तो वो हम देते, लेकिन यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% मिनिमम मिलेगा उसको। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट इज 22,250। ठीक है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बचना है। अच्छा, इसने लोन कब दिया? 1 अप्रैल 2019 को दिया है, तो ऑलरेडी यानी पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये याद रखना, मैंने क्या बोला था, लोन का डेट हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ 1 अप्रैल दे रखा है, और यहाँ अगर 1 अक्टूबर होता तो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ता उसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ अप्रैल से 1 अप्रैल को ही लोन दे दिया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, डन। अब बनाना तो है, लेकिन हमें क्या करना है अभी तो ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला था कि जो नेट प्रॉफिट है वो हमको उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन एक ऐसा अमाउंट है जो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, वो किसमें आता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आता है। तो हो सकता है कंपनी भूल गई होगी मैनेजर कमीशन देना, तो वो प्रॉफिट में से उतना माइनस करके हमको आप जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाएंगे। तो यहाँ नीचे एक वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट, और कुछ कुछ बुक में यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं नेट प्रॉफिट लेस मैनेजर कमीशन, और फिर जो बाहर आता है वहाँ वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो वर्किंग नोट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब क्या है, नेट प्रॉफिट दे रखा है अपने को, नेट प्रॉफिट कितना है एक मिनट में देख लेता हूँ, नेट प्रॉफिट है 22,250। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है 22,250, और उसमें से आपको क्या लेस करना है, मैनेजर कमीशन कितना है 5,000, तो 17,250 अमाउंट है ये जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, क्या लिखोगे, बाई नेट प्रॉफिट 17,000
250, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना वर्किंग नोट वन, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये अमाउंट कैसे आई है, ये अमाउंट कैसे आई है, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये पूरा एक्सरसाइज या इसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन साफ सुथरा दिखता है थोड़ा, ठीक है। इसलिए हम उसको अलग से वर्किंग नोट में शो करके, और वर्किंग नोट वन लिख दोगे तो यहाँ आपको ऑलरेडी वो समझ जाएगा कि ये वर्किंग नोट वन के हिसाब से ये अमाउंट आया है, ठीक है। याद रखना अकाउंट्स के क्वेश्चन में आप जितने भी वर्किंग नोट लो उसको नंबर जरूर देना। हाँ बोलो। अरे प्रॉफिट कहाँ से डेबिट साइड लिखेगा यार, तो गजब हाल है तेरी। लॉस लिखते हैं, लॉस लॉस लिखते हैं। हाँ चलो, अब क्वेश्चन क्या है, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए एंड बी है, 50,000 30,000 है, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल 6% पर एनम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल दे देते हैं, और इसको एनुअल सैलरी 2,500 है वो भी दे देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ए का कैपिटल कितना है 50,000 इंटू, इसका कितना है 30,000 इंटू, अरे यार मैं भूल गया इंटरेस्ट रेट ही, इंटरेस्ट रेट है 6%, सो इंटू 6/100 इंटू 6/100, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा इसका 3,000, और इसका आ जाएगा 1,800, बाहर आ जाएगा 4,800, ठीक है। चलिए, और टू सैलरी बी को देना है कितना 2,500, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ देखते हैं, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग है ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है, नहीं है। लोन दे रखा है पार्टनर को 5% के हिसाब, कितना है, नहीं इंटरेस्ट नहीं दे रखा, लेकिन हमको पता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मिनिमम 6% तो देना है, कितना 5,000, तो 5,000 का अपन, सॉरी एक मिनट, 5,000 का नोट निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट सेकंड है ये वर्किंग नोट वन है, ठीक है। और वर्किंग नोट टू क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। पार्टनर का लोन कितने का है 5,000, पूरे एक साल का लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो 1 अप्रैल में, इंटू 6/100, क्यों, क्योंकि 6% देना पड़ता है मिनिमम इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो, ठीक है। जीरो जीरो तो 300 रुपये उसको इंटरेस्ट बन गए, ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये हो गया था ना, सॉरी 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 सॉरी, 300 रुपये, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वन 7,250 यही था ना, एक मिनट, कितना था, 17,250, ठीक है, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी मैं यहाँ क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर रेंट एंड मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीज़ आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, इसको हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके बाद ही ये सब चीज़ें इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी ये सब हमको देना पड़ता है। लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना, 300, रुक जा, 16,950, हाँ बोलो, ये सैलरी है, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे अमाउंट आया 16,950 आपको बता देता हूँ, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 2,250 रुपये, ठीक है। उसमें से मैनेजर कमीशन तो 5,000 माइनस किया, क्योंकि ये भी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का चीज़ नहीं है, तो 17,250 है। उसमें से ये 300 रुपये और माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, ये भी माइनस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था तीन चीज़, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर का रेंट, ये तीन चीज़ आपको इस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है, और जो बचता है वही फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये तीनों चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें हैं, यहाँ की नहीं है, एप्रोप्रिएशन में नहीं इनको मेंशन करना, ठीक है, क्लियर। तो कितना आ गया 16,950, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट
यहाँ पर एक ही वर्किंग नोट में दोनों को दिखा देते कि हाँ भाई कैलकुलेशन और नेट प्रॉफिट बिफोर, तो लेस मैनेजर कमीशन, एक काम करो ठीक है, वर्किंग नोट टू बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसको इस तरीके भी कर सकते थे। लेस पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना था 5000 इंटू 6/100 दैट इज 300, ठीक है, अब कितना बचेगा 16950 बचेगा, तो यहाँ सीधा आप लिखो, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर माइनस करते हैं, तो आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जो इजी लगे वो करना, ठीक है, सीधा आप यहाँ लिखो 16950 रुपये, दैट्स ऑल, वो समझ जाएगा कि वर्किंग नोट वन में देखना पड़ेगा, और वर्किंग नोट वन के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई मैनेजर कमीशन और पार्टनर इंटरेस्ट हमने माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, अच्छा, और ये हमने सैलरी इंटरेस्ट तो पहले ही दे रखा है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि और कुछ तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है, नहीं, डन, ठीक है, अब जो प्रॉफिट बच रहा है देखते हैं, उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटेंगे, 16950 कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा, कितना प्रॉफिट बच रहा है 4800 और 2500, तो आपका हो गया 7300, 7300 माइनस करो इसमें से, ठीक है, 0569, ठीक है, 9650 रुपये आपका बचता है, तो 9650 होगा टोटल प्रॉफिट, इनको देना है, इनको आपस में बांट देंगे 16950, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना है ए और बी, ए को कितना मिलेगा 9650 इंटू 3/2 का रेशियो है तो 3/5, और इसको मिलेगा 9650 इंटू 2/5, ठीक है, क्लियर, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 से तो आपका आ जाएगा 1930, ठीक है, सो 1930, एक मिनट, इंटू 3 करेंगे तो ये होगा आपका 0975, ठीक है, 5790, और इसका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट तो पता चल गया, 3 पार्ट इसको दे दिया, 2 पार्ट इसको, तो 0683 3860 इसको मिलेगा, ठीक है, दैट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमने मैनेजर कमीशन और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो बचा उसको यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो पार्टनर लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और जो मैनेजर कमीशन है या कोई पार्टनर रेंट है, ऐसी कोई चीज़ आती है तो इसको प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर, उसके बाद जो एज यूजुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी देनी थी दे दी, ठीक है, प्रॉफिट बचा है तो बांटना पड़ेगा 3:2, ठीक है, क्लियर, चलिए अब हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अब यहाँ कोई थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक कहाँ केस स्टडी दे रखा है और बोल रहे हैं राजू और जय ने इतना इतना क्लेम किया तो कौन सी चीज़ किसको मिलेगी, कहने का मतलब ये है, देखो क्वेश्चन क्या है, राजू एंड जय कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड वेदर ओवरऑल और रिटर्न, अच्छा कोई पार्टनरशिप डीट थी ही नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिव कैपिटल इन एडिशन, ठीक है, राजू एडवांस ₹2 लाख एज लोन टू द फॉर्म, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2017, ठीक है, ये भी सही है, यानी एक छः महीने बीतने के बाद 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया था, राजू मेट एन एक्सीडेंट ऑन July 1, 2017, अच्छा कौन भाई, राजू 1 जुलाई 2017 को उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड कुड नॉट अटेंड बिजनेस
अप टू, अच्छा 30 सितंबर तक वो क्लास बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया था, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड की 31 मार्च का प्रॉफिट कितना है, 50,000-60,000। डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन देम, अच्छा दोनों में डिस्प्यूट अराइड हो गया। अब क्या डिस्प्यूट है, देखो राजू क्या क्लेम कर रहा है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एज सो एज ऑन लोन, अच्छा ठीक है। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है और लोन पे भी मांग रहा है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको किसी हाल में नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन किसी हाल में नहीं मिलने वाला, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी हाल में नहीं मिलने वाला। अब इंटरेस्ट ऑन लोन उसको 10% मांग रहा है, 10% तो नहीं मिलेगा लेकिन 6% मिल सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि जो भी लोन देता है पार्टनर, अगर कोई एग्रीमेंट है या नहीं, 6% मिनिमम उसको मिलना चाहिए, तो 6% उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, बाकी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और या नहीं मिलेगा, और जो लोन मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है 10% लोन पे, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, 6% मिलेगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, अगेन नहीं, प्रॉफिट भी कैपिटल के रेशियो में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये 4 लाख और 1 लाख लेके आए तो उसको लग रहा है कि मैं ज़्यादा कैपिटल लेके आया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो ये उसकी गलती है, उसे पहले रिटर्न एग्रीमेंट करवा लेना था कि नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। अब कुछ एग्रीमेंट करवाया नहीं है तो बराबर प्रॉफिट बटेगा, इसमें राजू कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुल मिला के राजू का सिर्फ एक क्लेम आएगा, वो भी 6% आएगा, 10% नहीं, ठीक है। अब जय क्या बोल रहा है, देखो जय बोल रहा है नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर इक्वली, यस बिल्कुल सही है, इसका ये क्लेम सही है, उसको प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं था, ठीक है, क्लियर। दूसरा, ही शुड बी अलाउड ए रेमुनेशन ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड, अच्छा वो कह रहा है कि राजू जब बीमार था तो उसने 3 महीने अकेले काम किया, बिजनेस को चलाया, तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसको अगर ऐसी किसी केस में कोई सैलरी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगेन पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता कि नहीं किसी कोई पार्टनर अगर चोट लग जाए तो उसके एब्सेंस में कोई पार्टनर काम करे तो उसको सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन शुड बी 6% पर एनम, नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जो लोन है राजू का उस पर वो 6% वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट देना चाहिए, वो सही है, वो उसको 6% मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल को किसी हाल में नहीं मिलने वाला। अब देखो ये था स्टेट द करेक्ट पोजीशन इशू एज पर द प्रोविजन पार्टनर, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सारे केसेस में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है आपको एक एक करके बताना है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, केस स्टडी के अंडर में, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, रीना एंड रमन आर पार्टनर, 3 लाख 1 लाख कैपिटल है उनका, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे रखा है 1,80,000, ठीक है। बिफोर पेइंग रेंट फॉर पर्सनल बिल्डिंग टू बी यूज एज गोडाउन फॉर फर्म, ठीक है, तो ये पार्टनर रेंट वाला इशू आ गया। क्या कह रहे हैं, देखो पर्सनल बिल्डिंग यूज गोडाउन फॉर फर्म टू रीना, यानी कि जो रीना है जो पार्टनर है उसकी पर्सनल बिल्डिंग गोडाउन के तौर पे यूज़ हो रही है, और उसका रेंट कितना इन्होंने डिसाइड किया, 5,000 पर मंथ, यानी कि 60,000 रुपये तो इसको रेंट देना ही पड़ेगा रीना को, ठीक है। और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की चीज़ नहीं है, इसको हमको प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, और जो बचेगा फिर वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम, ठीक है। रीमा वॉज एंटाइटल्ड ए सैलरी 30,000 पर एनम, ठीक है, 30,000 पर एनम किसकी सैलरी है, ये भी सही है। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर 30,000-20,000 है, ठीक है, कोई डेट नहीं दे रखी, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है क्या आपको, नहीं दे रखा, नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, अमाउंट में दे रखा है 1,500, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, अच्छा। अज्यूमिंग दैट रीना एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है, ये इक्वल पार्टनर्स थे, यानी कि प्रॉफिट शेयर बराबर करते थे 1:1, स्टेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी अप्रोप्रिएशन, ठीक है, डन। तो इसमें वैसे कुछ नहीं है, बस वो एक पार्टनर रेंट वाला इशू है, ठीक है, चलो इसको भी करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में भी, डन। तो ये हम एक काम करेंगे, इस बार सबसे पहले वर्किंग नोट ही कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा इलस्ट्रेशन 4, क्या है, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, लेस क्या करेंगे, पार्टनर रेंट, पार्टनर रेंट कितना है, 5,000 इंटू 12, दैट इज 60,000, तो
120,000 प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत है। चलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बाई नेट प्रॉफिट 120,000, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। कैपिटल कितनी है 1,00,000 और 3,00,000 एंड 1,00,000, ठीक है। सो रीना एंड कौन है, रीना किस में लिखा, कहाँ लिखा, क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है इसमें, कहाँ क्वेश्चन में मैं अरे वो क्वेश्चन में थोड़ा मेंशन करेगा कि हर बार पार्टनरशिप डीड है कि नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा होता कि देर इज नो पार्टनरशिप तो हम मान के चलते, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम एज्यूम करेंगे कि पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, समझ में। ये एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड है, क्लियर। हाँ यार फिर भुला दिया तुमने। रीना का कितना है 3,00,000 और रमन का कितना है 1,00,000, ठीक है। 3,00,000 इंटू 6/100 दैट इज अगेन आपका यहाँ 18,000 आएगा, और इसका 1,00,000 है इंटू 6/100 दैट इज आपका आएगा 6,000, ठीक है। फिर टू सैलरी रमन, रमन को सैलरी देनी है कितनी 30,000 पर एनम, तो 30,000 सीधा डायरेक्ट, ठीक है। अब बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रीना और रमन का हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दे रखा है, कितना है क्वेश्चन में 1,500, 1,500 तो बाहर आ जाएगा आपका 1,500, ठीक। अच्छा और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ड्राइंग से तो मतलब नहीं है, ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। रेंट हमने माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही दिया, सैलरी भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया, दैट्स ऑल, अब कुछ नहीं। तो अब हमको देखते हैं प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ऑब्वियसली बच ही रहा है क्योंकि ये काफ़ी अमाउंट है, यहाँ कम है थोड़ा भी, 1,20,000, तो 1,21,500, तो आप इधर भी कर दो 1,21,500, ठीक है। और उसके बाद हम लोग टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर। और कल हम लोग याद रखना, कल मैं आपको पहले बता दूँ, कल हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं, ठीक है, क्योंकि हमने अब अप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस कर ली, अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद पूरे फिर क्वेश्चन एग्जिटिस करते रहेंगे, ठीक है। हाँ कितना हो गया, 1,21,500 में से अपने को 54,000 माइनस कर दो, तो 0,05,76, ठीक है जी, 67,500। अब इसको किसी इक्वल पार्टनर है तो आपस में बांट लेंगे, टू तो हो ही चुका है, इसको मिलने वाला है रीना एंड रमन, कितना मिलेगा इक्वल मिल जाएगा, तो 67,500 इंटू 1/2, क्योंकि दो हिस्से होंगे ना, तो 1/2 यानी दो का एक हिस्सा, 67,500 इंटू 1/2, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अमाउंट बनेगा आपका 30,000, सॉरी मैं अंदर ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने अमाउंट तो बाहर लिख ही दिए टोटल, का बनेगा 33,525,
33,000 33,750, ठीक है, इसका भी बनेगा 33,750, ठीक है, डन। ये था हाँ इसका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन फोर नहीं था ये, ठीक है डन। हाँ अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, टाइम है तो हम इलस्ट्रेशन फाइव भी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर सिक्स आप कर घर से करके आना, ठीक है, फिर सेवन से मैं कराऊंगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं याद रखना, ठीक है, और कल हो सकता है मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कुछ इनके कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊं, और उसके बाद कुछ हो सकता है आपको मैं ज़्यादा एक्सरसाइज दूं करने के लिए, ठीक है। चलिए तो इलस्ट्रेशन फाइव कर लेते हैं एक बार, तो हमारा आज थोड़ा तीन चार क्वेश्चन करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्या है, सलोनी एंड सिस्टी आर पार्टनर, ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट है 1 अप्रैल 2016 का दे रखा है 2,00,000 और 3,00,000, ठीक है, 1 जुलाई 2016 को एडिशनल कैपिटल लेके आती है 50,000, ठीक है, कोई बात नहीं, और सिस्टी लाती है 1 अक्टूबर को, अच्छा नहीं, दोनों 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल आते हैं 50,000 और 60,000, ठीक है, 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 एंड 1 जनवरी को सिस्टी ने 15,000 विड्रॉ कर लिया फ्रॉम देयर कैपिटल, ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट इज अलाउड 8% पर एनम, ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, अगर कोई पहले तो ओपनिंग कैपिटल पर तो पूरा इंटरेस्ट दे दो, और उसके पास अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है, ठीक है, क्या करके आता है, एडिशनल कैपिटल लेके आता है, तो वो एडिशनल कैपिटल कब लेके आया, उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर में कितना टाइम पीरियड रिमेनिंग है, फिर उसको उसके हिसाब से उस पर टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, पूरे साल का नहीं मिलेगा, मानो वो आप जैसे इस केस में क्या है, कब लाएँ 1 जुलाई, तो 9 मंथ्स पूरे बाकी हैं 31 मार्च होने में, 31 मार्च 2017 होने में, तो 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक उन्होंने पॉइंट और दे रखा है कि इन्होंने 30,000 और 15,000 जनवरी 1 को इन्होंने, क्या क्वेश्चन है, ऑन 1 अक्टूबर सोलोनी विड्रॉ 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 2016, यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये इन्होंने यहाँ एनसीईआरटी में ये सब इशू है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इन्होंने ये 2016 दे रखा ना, ये गलत है, क्यों, क्योंकि जब 1 अप्रैल का 2016 का ये दे रखा है तो जनवरी में कहाँ से चली गई वो, ये 1 जनवरी 2017 है, याद रखना, ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी का गलती पॉइंट है, प्रिंट आउट है, ठीक है, तो एनसीईआरटी है, इसमें थोड़े बहुत प्रिंट आउट मिस्टेक होते रहते हैं, याद रखना, ये आपका 1 जनवरी 2017 है, याद रखना, क्यों, ऑब्वियस है, क्योंकि जब 1 अप्रैल 2016 दे रखा है, स्टार्टिंग कैपिटल दे रखा है, तो जनवरी में कहाँ से चले गए पीछे, ठीक है, तो इट इज़ नो मैटर, ये 1 जनवरी 2017 है, याद रखना, ठीक है, और ये 1 अक्टूबर 2017 है, ठीक है, क्लियर, तो ये इन्होंने यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2017 है, अच्छा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर भी 2016-17 बोला है, तो ये 17 का ही हो सकता है, ऑब्वियस, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर उल्टा तो जाता नहीं है, अप्रैल से जनवरी में थोड़ा जाएगा, तो ये 2017 है, याद रखना, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अच्छा, तो उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था 1 अक्टूबर को, सलोनी ने विड्रॉ किया था 30,000 और जनवरी में इसने 1 अक्टूबर 2016 को इसने विड्रॉ कर लिया 30,000 और इसने जनवरी में कर लिया था, अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल उठा करो, अच्छा, अब पूरा केस क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अप्रैल, क्या नाम है दोनों लड़कियों का, सलोनी एंड सृष्टि, सलोनी एंड सृष्टि, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को क्या है कैपिटल दोनों का, थोड़ा देखते हैं कितना है कैपिटल, 2,00,000 और 3,00,000, ठीक है, लिख लो भाई, 2,00,000 और 3,00,000, ठीक है, लिख लिया, चलो अब क्या बोल रहे हैं कि 1
जुलाई 2016 को इन्होंने क्या कर दिया है, एडिशनल कैपिटल आया ना, कितना कैपिटल आया, 50,000 एंड 60,000, ठीक है 50,000 एंड 60,000, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसको करने में वैसे। और फिर उन्होंने क्या बोला कि 1 अक्टूबर को सलोनी ने विड्रॉ कर लिया था 30,000, ठीक है क्लियर। अच्छा चलो, तो 1 अक्टूबर 2016 को सलोनी ने 30,000 विड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि ये विड्रॉ है, ये लेके आया एडिशनल कैपिटल ब्रॉट है, ठीक है। अच्छा, और 1 जनवरी 2017 को 15,000 इसने विड्रॉ कर लिया, 1 जनवरी 2017 को 15,000 इसने विड्रॉ कर लिया। कौन है, सृष्टि ने, सृष्टि है ना, हाँ सृष्टि है, ठीक है। और 8% पर एनम का अपना इंटरेस्ट कैपिटल का इंटरेस्ट है। अब किसको कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिलने वाला है ये हमको देखना है, ठीक है। देख कुछ नहीं करना है, ध्यान से रखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो देखो। सबसे पहले क्या है, इधर देखो, ठीक है, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि डेट वाइज चलो, डेट वाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2016, और ये 1 अप्रैल 2016 को 2 और 3 लाख था। नेक्स्ट इन्होंने एडिशनल कैपिटल कब लाई, 1 जुलाई के लिए, तो अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो दोनों को दो ना, तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट दे सकते हैं ना, क्योंकि जुलाई तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जुलाई तक तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट दो, ठीक है क्लियर। क्यों, क्योंकि जुलाई में कैपिटल चेंज हो गई, तो अब देखते हैं उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों से सही आएगा देखो, लेकिन हम पहले डेट वाइज चलते हैं। तो 3 महीने का तो इंटरेस्ट इनको दे दो, तो 3 महीने का अगर 8% निकालें तो 2 लाख × 3/12 × 8/100, ठीक है क्लियर। वन बाई फोर, और ये कट जाता है अपना 2 से, तो 2,000 × 4,000, उसका कितना आता है 4,000, ठीक है। तो इसको 4,000 इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा 3 महीने का, और इसको मिलेगा 3,000 के हिसाब से, मुझे लग रहा है 6,000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 3 लाख × 3/12 × 8/100, ठीक है। तो 100 यहाँ कट गया, ये 1/4 हो गया, और ये 4 से 2 से कट गया, 6,000 सही है, 6,000 इसको आएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 3 महीने का बना। अब मैं 3 महीने का क्यों निकाला बताता हूँ, देखो। अच्छा, अब 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया, 50,000 इसने एक्स्ट्रा कैपिटल आया, इसने 60,000 कैपिटल आया, तो अब इससे क्या हो गया होगा, इनकी कैपिटल कितनी होगी, होगी इसकी कैपिटल 2.5 लाख होगी, इसकी कैपिटल 3,60,000 होगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये कैपिटल कब तक रही, देखो अब ध्यान से देखो, 50,000 इसने सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को, और लेकिन 1 अक्टूबर 2016 को इसने 30,000 विड्रॉ भी कर लिया, यानी कि 30 सितंबर 2016 तक तो 3.5 लाख रुपए इसने दिए थे ना, 3.5 लाख इसके फॉर्म में थे। तो अब क्या करेंगे, सलोनी का क्या करेंगे, 3.5 लाख पे जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, और 3.5 लाख पे 3/12 × 8/100, ठीक है। अगेन 2 जीरो कटा, ये 1/4, और ये 2 से कट जाएगा, तो 7,000 इसका अब तक का, यानी ये 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कितना बनता है, 7,000 बनता है, ठीक है चलो क्लियर। अच्छा, अब सलोनी ने क्या किया, अब सलोनी को ही देखते हैं, ठीक है, सृष्टि को बाद में देखेंगे। सलोनी ने फिर क्या, 1 अक्टूबर को 30,000 वापस कर दिए, तो 30,000 इसमें निकाल लिया, तो कितना बच गया, 3,20 हो गया ना, 3,20 हो गया, क्यों, क्योंकि 3,50,000 में से 30,000 निकाल लिया, तो 3,20 बच गया। अब 3,20 कब तक रहा, लास्ट तक, क्यों, क्यों, क्योंकि इसने कोई इसके बीच विड्रॉ नहीं किया, तो 31 मार्च तक इसका ये कैपिटल यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो 31 मार्च तक कितना रहा, 1 अक्टूबर से तो 6 महीने का कितना था, 3,20, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें मिलेगा, 3,20 में 8/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गए, ये 2 से आ गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 6,200 × 3,200 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 12,800, ठीक
ठीक है। अच्छा अब इसका क्या है, इसका जो 60,000 इसने एडिशनल कैपिटल लाया था, कब लाया था, 1 जुलाई में, तो इसका कितना कैपिटल हो गया, अगर 360 इंटू, अब इसका कब तक चला, जनवरी तक चला, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी फर्स्ट था ना, तो दिसंबर मान के चलो, तो दिसंबर लास्ट तक रहा, क्योंकि जनवरी फर्स्ट इसने विड्रॉ कर लिया, तो 6 मंथ, तो 360,000 पे इसको 6 महीने का इंटरेस्ट दो, 8 अपॉन 100 इंटू 6 बाई 12, ठीक है। अब ये अगेन 1/2 हो गया, ठीक है, और ये अपना 4 से कट गया, ये अपना 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया आपका 12,000 और आपका हो गया 14,400, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जनवरी में इसने 15,000 निकाल लिए, तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया होगा, 3,45,000 हो गया होगा, क्यों, क्योंकि 15,000 इसने विड्रॉ कर लिया, तो 3,45,000 पे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 3/12 इंटू 8 अपॉन 100, ठीक है, क्लियर। सो ये 0,0 इधर कटा, ये अपना 1/4 होगा, और 4 से 2 से कट गया, तो आपका हो जाएगा 3 लाख, तो हो जाएगा 6,900, ये हो गया 6,900, ठीक है, इसका इंटरेस्ट। तो अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, 7 प्लस 4 11 11 प्लस 12,800, तो इसको इंटरेस्ट टोटल आ गया 23,800, और इसका इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 6 प्लस 14 20,400, और ये हो गया 26,400, ये हो गया 27,000 इसका, ये निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से, देखो क्लियर। थोड़ा सा अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने ये चेक किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने देर तक वो थी, क्योंकि बीच बीच में एडिशनल कैपिटल विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो जो कैपिटल जितने समय तक स्टे करती है बिजनेस में, हमको उसको उसके ऊपर उतना इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 महीने तक थी, तो 3 महीने का दिया, फिर इसने कोई चेंजेस कर दी, कब तक वो कैपिटल स्टे करती है, तो वो उसके हिसाब से मैंने इसको इंटरेस्ट दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका क्या है, देखो वो भी सिंपल ही है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, अभी देखो, अब सबसे पहले तो 2 लाख और 3 लाख पे इन्होंने क्या करें कि भाई पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल पे 2 लाख का 8% कितना आता है आपका, 16,000 हो गया, ठीक है, इसका 16,000 हो गया, और इसका हो गया 24,000 लिख लिया, ठीक है, 2 लाख का भाई 8-8% दे दिया। अच्छा अब ये एडिशनल कैपिटल कब लाता है, जुलाई में, ठीक है, कब लाता है, जुलाई में, कितना आता है, 50,000, ठीक है। तो अब 50,000 कब तक रहता है इसके पास, एडिशनल कैपिटल 50,000 लाया, तो कब तक लाया, अक्टूबर तक, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसने चेंज कर दिया, तो 50,000 पे इसको 3 महीने का ब्याज दो 8% के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 3/12 इंटू 8 अपॉन 100, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, 4 आया 2, तो 1,000 रुपये होते हैं, कितने होते हैं, 1,000 रुपये होते हैं, ठीक है, चलो क्लियर। अब इसने 50,000 जो लाया था उसमें से कितना विड्रॉ कर लिया, 30,000 अक्टूबर में, तो अब कितना बचा, 20,000 बचा, कितना बचा अपना, 20,000, ठीक है, अब 20,000 पे आपको कब तक देना है, हाँ 6 मंथ का देना है, हाँ क्योंकि इसने विड्रॉ नहीं किया, 6 अपॉन 12 इंटू 8 अपॉन 100, एक मिनट इसका चेक कर लेना कि सही तो है ना, 16,000 एक मिनट, 2 लाख है ना, 2 लाख का 8% होता है, सही है, ठीक है, और इसका कितना हुआ, 12 महीने का 8% 16,000 आ गया, अभी 50,000 है ना, इसने बीच में लाया, कब लाया, जुलाई में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 50,000, ठीक है, तो 50,000 पे कितने का निकालना है आपको, 3 महीने का निकालना है ना, 50,000 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 8 अपॉन 100, एक मिनट कटते हैं, पूरा जाएगा, ये हो जाएगा
टू से ये दो जीरो कटे, हाँ 1000 रुपये भी, ये भी सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा किसका आ रहा है, इसका 1600 आ रहा है लास्ट में। ठीक है डन, नहीं लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि तीनों दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। एक मिनट, कुछ हमने फिर गड़बड़ की है यहाँ पर, एक मिनट रुको। पहले वाले मेथड के हिसाब से चलें तो 200000 पे, 200000 था ना इसका कैपिटल, तो 200000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो कितना आता है, 200000 इंटू 3/12 इंटू 8/100। ठीक है तो ये 0 0 कट गया, 2000 बचा ना, तो ये अपना 4 कट गया, ये 2 हो गया, 2000 इंटू 2 4000 सही है। ठीक है फिर एक बार इधर क्रॉस चेक कर लेते हैं, 50000 और आ गया तो 2,50,000 हो गया ना, तो 2,50,000 इंटू कब तक था, अक्टूबर तक था ना, तो जुलाई 6 महीने का, 3 महीने का, 3/12 इंटू 8/100। ठीक है तो ये 2 0 कटा, ये 4 आ गया, इधर 2 हो गया, 5000। ओ देखा, मैंने कहा ना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ 5000 आएगा। ठीक है हाँ, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, अब कितना गया, 250 था, अब 250 में से 30000 गया तो कितना गया, 220 हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, 220 इंटू 6 मंथ, तो 6/12 इंटू 8/100, 0 0, ये आपका कट गया 2 से, ये गया 4, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना, हाँ तो यहाँ भी अगेन ये भी इंटरेस्ट गलत निकला था, 8800 होगा। ठीक है ठीक है हाँ, सॉरी ना यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 + 5 = 9, 9 + 8 = 16000, अच्छा, और अगर ये वाला पूरे 200000 पे एक साल का निकाल दिया तो कितना आता है, 16000 आता है। ठीक है और फिर हमने 50000 पे कितना निकाला था, आता 1000 आया था ना हमारा। ठीक है और उस पर अब हमारा क्या था कि 50000 में से 30000 इसने विड्रॉ कर लिया, अब कितना बचा, 20000, अब 20000 पे हमको 6 महीने का निकालना था। ठीक है 1600 आ रहा है, 1600, एक मिनट रुको देखने दो, 6/12 इंटू 8/100। ठीक है तो ये कट गया, तो ये हो गया 2 हो गया ना, तो कट गया 4, 800 आ रहा है ना यार, कहाँ 1600 आ रहा है, 800 है। ठीक है तो अब तीनों का टोटल करो कितना है, 17800। ठीक है तो देखा दोनों मेथड से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगा। ठीक है बट उसमें क्या है कि आपको जो सुविधा है, जैसे इसमें क्या क्लियर है कि जैसे 200000 3 महीने पे चेंज होगी ना, तो जितने दिन तक वो कैपिटल रही उत पे इंटरेस्ट लगा दो। ठीक है क्लियर, 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया, फिर ये 50000 इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, 2.5 लाख होगी तो 2.5 लाख पे 3 महीने का निकालो, फिर 2.5 लाख के बाद उसने 30000 निकाले तो 2,20,000 पे 6 महीने, इस तरीके से अपन ने इंटरेस्ट निकाला 17800। और एक तरीका और है कि सबसे पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख पे पूरा इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल ला रहा है उस पर भी इंटरेस्ट दे दो, लेकिन उस एडिशनल कैपिटल में से उसने विड्रॉ कर लिया बीच में, तो एडिशनल कैपिटल जितने दिन तक थी 3 महीने तक थी तो उस पर तो 1000 इंटरेस्ट मिला, विड्रॉ करने के बाद कितना बचा, 20000, अब 20000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो तो 800 रुपये आए, तो 17800। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है क्लियर, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा आंसर एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नज़र दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल पे इसलिए दिया जाता है क्यों, क्योंकि जो जो कैपिटल हमने जो इंट्रोड्यूस की, ठीक है क्लियर, इंट्रोड्यूस की और
साल भर तक वो कैपिटल हमारी सेम मेंटेन रही और फिर लास्ट में उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। किस पे देख लेंगे? वो वाले कैपिटल पे देंगे जो शुरुआत में थी, तो ओपनिंग कैपिटल पे दे दिया, ठीक है। अब इसको नॉर्मली क्या होता है, तो वही ओपनिंग कैपिटल सेम रहती है पूरे साल तक, वो कैपिटल चेंज नहीं होती है, तो हम लोग सीधा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, कैपिटल चेंज हो रही थी बार बार में। क्या क्या चेंज हो रही थी? पहले उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाई, ठीक है, फिर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, तो फिर हमने ये दिमाग लगाया कि चलो भाई कौन सी कैपिटल कब तक स्टे करती है। जैसे 2 लाख 3 महीने तक रही तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, अब 2.5 लाख 3 महीने तक रही तो उसमें 3 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, और फिर 2.5 लाख में से 30,000 माइनस किया, 2 लाख 20 6 महीने तक रही तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया 2 लाख 20 पे, तो तीनों का टोटल करा सेम आंसर आ गया। या दूसरा तरीका क्या है, ओपनिंग कैपिटल पे पूरा निकाल दो, 50,000 पे 3 महीने का निकाला और 50,000 में 30,000 माइनस किया, 20,000 पे 6 महीने का निकाला, वो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, सेम हमेशा सेम आएगा, क्लियर। तो आपको जो इस हिसाब से जो सिंपल लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में आते हैं ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग 6 वाला करना ट्राई, और कल मैं आपको 7 के आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग 10:15 में।